25 मार्च 2022, साकार मुरली, मीठे बच्चे, बाप ही तुम्हारा बाप, टीचर और गुरु है। उनका जीते जी बनकर माला में फिरो जाना है। प्रश्न, तुम बच्चे किस निश्चय के आधार से पक्के ब्राह्मण बनते हो? उत्तर, तुम्हें पहला निश्चय हुआ कि इन आंखों से देह सहित जो कुछ भी दिखाई देता है ये सब पुराना है। ये दुनिया बहुत छीछी है, हमारे रहने लायक नहीं। हमको बाप से नई दुनिया का वर्षा मिलता है। इस निश्चय के आधार से तुम जीते जी इस पुरानी दुनिया और पुराने शरीर से मरकर बाप का बनते हो। तुम्हें निश्चय है कि बाप द्वारा ही विश्व की बादशाही मिलती है। गीत, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। ये बच्चे गीत गाते हैं, जो पत्थर बुद्धि थे वह अब गीत गाते हैं पारस बुद्धि बनने के लिए। एक गीत भी है कि पत्थरों ने गीत गाया। वह पत्थर तो गीत नहीं गाते, परंतु पत्थर बुद्धि मनुष्य गाते हैं। अब तुमको ईश्वरीय बुद्धि मिली है। ईश्वर ने अपने बच्चों को बुद्धि दी। जब हम ईश्वर के बने हैं तो देह सहित हम सारी दुनिया को भूल जाते हैं, क्योंकि यह रहने लायक दुनिया नहीं है। बहुत छीछी है, इसमें बहुत खिटखिट है, भूरक धंधे हैं, कोई सुख नहीं। इसलिए हम आपके गले में फिरो जाते हैं। अपने को आत्मा निश्चय कर हम आपके ही बन जाते हैं। तो पुरानी दुनिया पुराने शरीर से दिल हट जाती है, क्योंकि जानते हैं आपसे हमको नई दुनिया का वर्षा मिलता है। जब तक यह निश्चय नहीं तो वह ब्राह्मण बन न सके। जीते जी बाप का बनना है। निराकार बाप को ही कहा जाता है बाबा। आप हमारे बाप भी हो, शिक्षक भी हो, सतगुरु भी हो। आप में प्रत्यक्ष फल देने वाले भी हो। बाप के रूप में विश्व की बादशाही का वर्षा देने वाले हो। शिक्षक के रूप में सारे ब्रह्मांड और दुनिया के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हो। और सतगुरु के रूप में हमें मुक्ति धाम में साथ ले जाएं, फिर जीवन मुक्ति में भेज देंगे। कहते भी हैं कि बाबा, हम आपके साथ ही चलेंगे। आप ही हमारे सच्चे सतगुरु हो। वो गुरु लोग तो साथ नहीं ले जाते, उनको तो मुक्ति जीवन मुक्ति के रास्ते का मालूम नहीं। वो लोग तो बाप को सर्वव्यापी कह देते हैं, तो वर्षा कौन देंगे? किसको कहेंगे ओ गॉड? अभी तुम बच्चे जानते हो हम निराकार शिव बाबा के बने हैं। अब हमारा देह भान टूट गया है, हम आपके डायरेक्शन पर चलते हैं। आप कहते हो देह के संबंध से बुद्धि हटाए, अपने को आत्मा निश्चय कर मेरे को याद करो। जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो आप मोए मर गई दुनिया, फिर कोई संबंध नहीं रहता। जब तक माँ के गर्भ में प्रवेश न करे तब तक तुम्हारे लिए कोई दुनिया ही नहीं। दुनिया से तुम अलग हो। अब बाप कहते हैं, बच्चे तुम जीते जी सब कुछ भूल मेरे बनो, मैं तुमको साथ ले जाऊंगा। यह दुनिया खत्म होने वाली है। देवताएं तब पतित दुनिया में नहीं आते। लक्ष्मी का आवाहन करते हैं तो सफाई आदि बहुत करते हैं, परंतु
ये सतयुग थोड़े ही है जो लक्ष्मी आवे, फिर नारायण कहाँ से आएगा? भला महालक्ष्मी को चार भुजाएं क्यों देते हैं? कोई यह थोड़े समझते हैं कि यह दोनों ही हैं। ऐसा तो कोई चित्र बन नहीं सकता जिसको चार भुजा हो। फिर दो मुख देना चाहिए, चार टांगे तो कभी नहीं दिखाएंगे, क्योंकि ऐसा तो मनुष्य कभी हो ना सके। यह सब समझाने के लिए है कि यह युगल लक्ष्मी नारायण है। अलग होंगे तो दो भुजा दो टांगे भी होंगी। बाप कहते हैं, पहले पहले यह निश्चय कराओ कि हमारा बाप टीचर गुरु तीनों ही है। वह हम सब को साथ ले जाएगा। उनका कोई चेला चाटी नहीं है जो पिछाड़ी में ज्ञान देगा, वह साथ ले जाएगा। बाप समझाते हैं, अब वापस जाना है क्योंकि नाटक पूरा होता है। बाप कहते हैं, सत्ता सत्यति दाता पतित पावन मैं हूँ, कालों का काल हूँ। जम भट्टो आदि का साक्षात्कार होता है, क्योंकि पाप करते हैं तो सजा भी खाते हैं, बाकी जमघट आदि है नहीं। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, गर्भ में सजा मिलती है तो त्राही त्राही करते हैं। अब पहले पहले बच्चों को यह निश्चय करना है कि यही हमारा बाप टीचर सतगुरु है, और एक को ही याद करना है। रचता भी एक होता है, 10 या 100 रचता नहीं, ना कि 10 दुनियाएं होती हैं। बच्चे कहते हैं, बाबा हम आपके गले का हार बने, फिर हमारी रुद्रमाला बनेगी। इस समय तुम ब्राह्मण पुरुषार्थी हो, तुम्हारी माला बन नहीं सकती क्योंकि तुम गिरते और चढ़ते भी हो। तुम जानते हो हम बाबा की माला बन फिर विष्णु की माला बन जाएंगे। पहले पहले आपकी निराकारी माला परम धाम में आएंगे, फिर साकारी माला बन विष्णु लोक में आएंगे। मनुष्य इन बातों को जानते ही नहीं। बच्चे कहते हैं, हम आपके जीते जी बने हैं, नहीं तो साकार मनुष्य साकारी मनुष्यों को अडॉप्ट करते हैं। यहाँ तुम निराकारी आत्माओं को निराकार शिव बाबा अडॉप्ट करते हैं ब्रह्मा द्वारा। कहते हैं, हे आत्माएं तुम मेरी हो, ऐसे नहीं कहते हे साकार तुम मेरे हो। यहाँ निराकार निराकार को कहते हैं, मैं आपकी हूँ। बाकी जो अडॉप्ट करते हैं वह शरीर को देखते हैं, अपने को भी आत्मा नहीं समझते। भाई भाई को अडॉप्ट करें तो क्या मिलेगा? यहाँ तो बाप अडॉप्ट करते हैं वर्षा देने के लिए। तो यह बड़ी गुह्य बातें हैं, जो अच्छी रीति पढ़ेंगे उनकी बुद्धि में यह बातें बैठेंगी। निराकार बाप कहते हैं, देह का भान छोड़ मेरे बनो, तो मैं तुमको निराकारी दुनिया में साथ ले जाऊंगा। श्री कृष्ण की आत्मा को परम आत्मा नहीं कह सकते, वह भी 84 जन्म पूरे लेते हैं। लक्ष्मी नारायण की राजधानी चली है, राजा राजा है, रानी रानी है। सबको अपना भिन्न भिन्न पार्ट मिला हुआ है। 84 जन्म लेते हैं, एक की बात नहीं, पुनर्जन्म तो सबको लेना है। तुम बच्चों को समझाना है 84 का चक्र कैसे फिरता है। 84 लाख जन्म कहने से सारी बात बिगड़ जाती है, लाखों वर्ष की बात भी याद न पड़े। अब याद पड़ता है, भ्रष्टाचारी दुनिया आज है, कल शिष्टाचारी बनेगी,
हम लिख सकते हैं जैसे शास्त्री ने लिखा, हम न्यू इंडिया बनाकर छोड़ेंगे। अब न्यू इंडिया तो होती है न्यू वर्ल्ड में। यहाँ देवता धर्म के सिवाय और कोई धर्म होता ही नहीं। तो अब बाप भारत में अथाह धर्म है, अनेक प्रकारों की टाल टालियां हैं, ये सब पिछाड़ी के हो गए हैं। ये भी दिखाया है लक्ष्मी नारायण सो अब ब्रह्मा सरस्वती बने हैं, फिर ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण बनेंगे। इसलिए दिखाते हैं विष्णु से ब्रह्मा निकला, ब्रह्मा से फिर विष्णु। तुम अब विष्णु के कुल के बन रहे हो। खुशी का पारा उनको चढ़ेगा जो अच्छी रीति समझते हैं कि बरोबर अब नाटक पूरा होने वाला है। नाटक कहने से आदि मध्य अंत सब याद आ जाता है। तुम्हारे पास जो समझो सयाने होंगे उनको बेहद के ड्रामा की याद रहेगी। पहले सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य हुआ, फिर बाहर वाले आए, वैश्यवंशी शूद्रवंशी बने। हम आत्माओं ने ऐसे 84 जन्म लिए, ये भी बहुतों को याद नहीं पड़ता। ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान होना चाहिए। यह ड्रामा 5000 वर्ष का नाटक है, बुद्धि में रहना चाहिए। आत्मा कितनी छोटी है, 84 जन्मों का पाठ बजाती है। परमात्मा भी कितना छोटा है, वह भी पाठ बजाने के लिए बंधा हुआ है। ड्रामा क्या वश है, संगम होगा तो उनके पाठ बजाने का टाइम इमर्ज हो जाएगा। शास्त्रों में फिर लिख दिया है, भगवान को संकल्प उठा कि नई सृष्टि रचूं, परंतु लिखा ऐसा है जो कोई समझ न सके। वह सब है पास्ट की बातें, तुम तो प्रैक्टिकल पार्ट बजा रहे हो। तुम जानते हो हमारा बाप टीचर गुरु तीनों ही है एक। लौकिक बाप को कभी ऐसे नहीं कहेंगे, गुरु को तो गुरु ही कहेंगे। यहाँ तो तीनों ही एक है, ये समझने की बातें हैं। नॉलेजफुल गॉड फादर को ही कहते हैं, उसमें सारे झाड़ की नॉलेज है क्योंकि चैतन्य है। आकर के सारी नॉलेज देते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो हम इस देह को भी छोड़ बाबा के साथ चले जाएंगे। जब तुम कर्मातीत बन जाएंगे तब तुम्हारे में कोई भूत नहीं रहेगा। देह अभिमान का पहला नंबर भूत है। इन सब भूतों का बड़ा है रावण। भारत में ही रावण को जलाते हैं, परंतु रावण क्या चीज है यह कोई नहीं जानते। दशहरा, रक्षाबंधन, दीपमाला कब से मनाते आए हैं कुछ भी पता नहीं। आखिरी यह रावण मरना है या ऐसे ही चलता रहेगा, कुछ भी पता नहीं पड़ता। रावण को जलाते हो फिर जी उठता है क्योंकि उनका राज्य है। सत्युग में रावण होता ही नहीं, वहां योग बल से बच्चे होते हैं, जबकि योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो। तो क्या योग से बच्चे पैदा नहीं हो सकते? वहां रावण ही नहीं तो भोग का नाम भी नहीं। इसलिए श्री कृष्ण को योगेश्वर कहते हैं, वह संपूर्ण निर्विकारी है। योगी कभी भोग नहीं करते, अर्थात विकार में नहीं जाते। अगर भोगी बने तो फिर योग सिद्ध ना हो। अब तुम योग सीख रहे हो, भोगी बनने से अथवा विकार में जाने से योग लग न सके। तुम बच्चों को बाप टीचर सतगुरु तीनों का इकट्ठा वर्षा मिलता है। सतगुरु सबको साथ ले जाते हैं, ले तो सबको साथ जाएंगे, परंतु तुम गले का हार बनते हो। साजन सब सजनियों को ले जाएंगे, पहले साजन चलेगा, फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी, फिर उनका सारा
जो घराना है, इस्लामियों की बारात अथवा घराना, बौद्धियों का घराना, सभी आत्माओं को अपने अपने सेक्शन में जाकर बैठ जाना है। आत्मा स्टार है, ये बड़ी समझने की बातें हैं। तकदीरवान ही धारण कर औरों को भी समझाएंगे, वो फिर महिमा भी लिखते हैं, फलाने ने हमको समझाया तो हमारे कपाट खुल गए, इसने हमको जीव दान दिया, फिर उनसे ही प्रीत हो जाती है, उनको ही याद करते रहते हैं, फिर उनसे ही छुड़ाया जाता है। दलाल को थोड़ी याद किया जाता है, दलाल ने तो दलाली की, और खलास। फिर साजन को सजनी याद करती है, ब्रह्मा भी हो गया दलाल, याद उस शिव बाबा को करना है, ये दलाल भी उनको ही याद करते हैं, इनकी महिमा कुछ भी नहीं, ये तो पतित है, पहले इनमें प्रवेश कर इनको पावन बनाया। एक है पतित, एक है पावन, सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा है पावन, उनकी भी शक्ल दिखानी चाहिए, समझानी तो बार बार दी जाती है, परंतु जबकि आकर बाप का बने, बाबा हम आपके हो गए हैं, आप हमारे हो, हमारे बाप, टीचर, सतगुरु भी हो, आप कहेंगे मैं भी तुमको स्वीकार करता हूं, परंतु याद रखना मेरी पथ अर्थात इज्जत नहीं गवाना, मेरा बनकर फिर विकार में नहीं जाना, वास्तव में इस समय सब नरकवासी हैं, याद करते हैं स्वर्ग को, कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, अरे स्वर्ग है कहाँ, अगर स्वर्ग गया तो फिर यहाँ बुलाकर खाना आदि क्यों खिलाते हो, पतित दुनिया में पतित ब्राह्मणों को ही खिलाते हैं, पावन तो कोई है ही नहीं, परंतु इस छोटी सी बात को भी कोई समझ नहीं सकते। अच्छा मीठे मीठे से खिलाते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, ज्ञान देने वाले दलाल से प्रीत न रख, इक्षु बाबा को याद करना है, वही जीवदान देने वाला है। दूसरा, इस बेहद के नाटक को बुद्धि में रख, अपार खुशी में रहना है, देह का भान छोड़ अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। वरदान, अपने भरपूर स्टॉक द्वारा खुशियों का खजाना बांटने वाले हीरो हीरोइन पाठधारी भव। विस्तार, संगम योगी ब्राह्मण आत्माओं का कर्तव्य है सदा खुश रहना और खुशी बांटना, लेकिन इसके लिए खजाना भरपूर चाहिए। अभी जैसा नाजुक समय नजदीक आता जाएगा, वैसे अनेक आत्माएं आपसे थोड़े समय की खुशी की मांगनी करने के लिए आएंगी, तो इतनी सेवा करनी है जो कोई भी खाली हाथ नहीं जाए। इसके लिए चेहरे पर सदा खुशी के चिन्ह हो, कभी मूड ऑफ वाला, माया से हार खाने वाला, दिल शिकस्त वाला चेहरा ना हो, सदा खुश रहो और खुशी बांटते चलो, तब कहेंगे हीरो हीरोइन पाठधारी। स्लोगन, एक दो की राय को रिगार्ड देना ही संगठन को एकता के सूत्र में बांधना है। ओम शांति।